हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि फंक्शन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें फाइंड करना है। अगर फंक्शन कंसिस्टेंट है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और नॉन कंसिस्टेंट है तो फंक्शन को हम वही छोड़ देंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 1/2 आ जाएगा, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 5/10 कैंसिल करेंगे 1/2। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों अगर हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि तीनों इक्वल कब होते हैं, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए फंक्शन कैसा होता है, कंसिस्टेंट है। अब हम दोनों इक्वेशन से पॉइंट निकाल लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 5 में 7 जाएगा 4, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन सेकेंड से सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2 को कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इधर से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इधर रख लिया, इसको लेके गए 5 माइनस वाई, दोनों इक्वेशन सेम है, वही पॉइंट रख लेंगे। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो हमारे पास दोनों की लाइन भी वही आएगी। इसी तरह से हमने पॉइंट्स को ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये दोनों इक्वेशंस के हमारे लिए सेम लाइन है, ठीक है, इसको हमने पॉइंट्स इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 से a1 क्या है 1, a2 3, 1/3, b1 बाई b2 माइनस 1/-3 और 8/16। ए 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 और 8/16 को कैंसिल कर देंगे 1/2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब हमारे पास फर्स्ट टू इक्वल हैं, थर्ड इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के लिए फंक्शन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, a1 बाई a2 क्या 2/4, b1 बाई b2 क्या आ जाएगा 1/-2 आ जाएगा, और c1/c2 माइनस 6/-4 ये आ जाएगा 1/2, ये -1/2, ये 3/2। तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, अगर कोई भी इक्वल नहीं है, फर्स्ट टू को देखा इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस इट मींस इसका कोई ना कोई एक ही सॉल्यूशन है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 बन जाए 2, 6 में से 2 जाएगा 4, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 2 जाए 4, 6 में से 4 जाएगा 2। इसी तरह बाय इक्वेशन सेकंड करेंगे, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आया 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया, 2x, 2 को इधर ले आए, y को उधर लेके गए। अब देखो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू क्या आई -2, x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की 2 बन जाए 2, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी 2, 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से फिर हम इसके पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके हमने दिखाया ये हमारे पास इसके पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को ड्रॉ करके हमने देखा कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, क्या है 2, 2, इट मीन्स x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 बाई a2 2/4 आ जाएगा, b1 बाई b2 -2/-4 और -2/-5, इधर से क्या आएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये क्या आया 2/5। अब फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, पेयर इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना।
हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके लिए दे रखा आपको हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमारे पास ये था क्वेश्चन, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमने गार्डन की विड्थ क्या मान ली वाई, और लेंथ हमने क्या मान ली उसकी एक्स, दोनों आ गए हमारे पास है। हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है 36, क्योंकि बोल रखे ना हाफ द पेरीमीटर, कितना दे रखा है 36 मीटर। इसको हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर का हाफ लिख देंगे, पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि हूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ ज्यादा है किससे, विड्थ से, तो लेंथ हमारी क्या है एक्स, उसमें से अगर हम वाई माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 4 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ करेंगे, रेक्टेंगल है कोई भी रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर, 2 लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ हमारे पास y है इज इक्वल टू पेरीमीटर, 2 को इधर लेके आएंगे, x प्लस y इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, और x प्लस y एज इट इज पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। बाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू इसको उधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस से y, यहाँ से इक्वेशन निकाल ली, फिर इस इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देंगे, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 4 प्लस से y, और प्लस y इज इक्वल टू 36, 4 हमारे पास अपोजिट साइड लिखते हैं y प्लस y 2y, 36 में से 4 माइनस कर देंगे 32, y इज इक्वल टू 32 बाई 2, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है y की वैल्यू 16 है, x माइनस 16 इज इक्वल टू 4, 16 को उधर लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 20, इट मीन्स हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी 20 और विड्थ हमारे पास क्या आएगी 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको क्या दिए हुए हैं, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें एक और इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स की सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज, किसके फॉर्म में करना है, फर्स्ट हमें क्या देना है कि ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे दोनों इक्वेशंस कैसे हो जाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें उसकी कंडीशन पता होना चाहिए, देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, द सेकंड इक्वेशन इज दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइंस, फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x plus 3y minus 8, सेकंड हमने अपने पास से लिख दी 2x plus 4y minus 6, क्योंकि a1 by a2 नॉट इक्वल करना है हमें, तो a1 by a2 करेंगे 2 by 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 3 by 4, तो 1 और 3 by 4 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया तो कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सेकंड हमारे पास क्या बताना है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फॉर पैरेलल लाइंस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, फर्स्ट टू को इक्वल करना है बट थर्ड को इक्वल नहीं करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x plus 3y is equal to 8 है, तो फर्स्ट टू को इक्वल करना है, 2 का डबल कर दिया 4x, 3 का डबल कर लिया हमने 6x, और इसको हम डबल नहीं करेंगे, इसको कोई भी अदर ले लेंगे हम, क्या ले लिया हमने 5, अब ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये दो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे पैरेलल लाइंस। थर्ड है हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, जिसके अंदर तीनों इक्वल होते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे 2x plus 3y is equal to 8, इसमें नॉट इक्वल करना था इसलिए हमने अदर ले लिया, अब इसका डबल ले लेंगे क्या आ जाएगा 4x plus 6y, 8 का डबल क्या हो जाएगा 16, ये 2 का 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो कैसी लाइंस हो जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन है उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन. हमें क्या करना है कि इन दोनों लाइन से जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके वर्टिसेस नोट करेंगे इनको दोनों को. जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, उसके वर्टिसेस नोट करेंगे और उस ट्रायंगल का कैसे करेंगे, शेडेड करेंगे. देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दी है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन फर्स्ट है. सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. अब फर्स्ट हम देखेंगे भाई इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इसको इधर ले आएंगे क्या आ जाएगा x प्लस वन, y को इधर लेके आए प्लस हो जाएगा. अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 पुट कर देंगे 2 प्लस 1 3 आ जाएगा. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 और इधर लेके आएंगे माइनस 3x आ जाएगा. अब y इज इक्वल टू 2 इधर लेके आए डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा 12 बाई 2, 2 से कैंसिल होके क्या आया 6. फिर x की वैल्यू हमने क्या पुट की 2, 3 2 जा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 by 2 3. फिर हमने x की वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 by 2 भी क्या आएगा 0. पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, फिर x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आएगा हमारे पास. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आया हमारे पास. ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. फिर सेकंड है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आया. x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इसको भी ड्रॉ कर दिया. जब दोनों को मिलाया तो हमारे पास ये कैसी शेप बन गई, एक ट्रायंगुलर शेप बन गई. ट्रायंगुलर शेप बना दी, उसके बाद हमें क्या पॉइंट को नोट करना था, ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये क्या आया 2 3 आ गया. सेकंड पॉइंट देखो ट्रायंगल बनी है हमारे पास तो सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा. यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है उस पॉइंट की हम वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस वन दे रखा है और यहाँ इस पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या आ जाएगा माइनस वन 0 और ये हमारे पास क्या है 4 0. ये तीन पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि हमें नोट करना था. बोल रखा था कि ट्रायंगुलर शेप में जो आएगी आपके पास उसके पॉइंट्स भी नोट करेंगे और इसको क्या कर देंगे पूरे को शेडेड कर देंगे. ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2. ओके थैंक यू.